नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बारीडीह स्थित कार्यालय में पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बीते दिन दुर्गा पूजा विजयदशमी के साथ संपन्न हुआ। इन 9 दिनों में पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों एवं इस दौरान कार्यकर्ताओं के अनुभव के साथ पंडालों में हुई समस्या पर चर्चा की गई। वहीं आगामी दिनों में दीपावली और छठ पर्व में किस तरह पार्टी का बेहतर योगदान रहे, इसके लिए महिला मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनके द्वारा विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इधर पूजा के दौरान सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन को लेकर पूजा समितियों के बीच हुई समस्याओं के बारे में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन गाइडलाइन को भाव के अनुसार लागू नहीं कराया, बल्कि इसे अक्षर के अनुसार लागू कराने के कारण इसमें कई सारी त्रुटियां रह गई, जो परेशानियों का सबब बना। प्रशासन द्वारा पूजा समितियों के साथ बैठक तो जरूर की, लेकिन गाइडलाइन की स्पष्टता देने में विफल रही। यही वजह है कि जब परेशानियां सामने आई, राज्य के आपदा एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा माफी मांगने को समितियों ने तवज्जो को मानते हुए विसर्जन पर सहमति जता दी, जो काफी हास्यप्रद मामला है। इसलिए आगामी पूजा के लिए शासन प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी करें, वह काफी सोच समझकर करें, ताकि दोबारा समस्याओं से रूबरू प्रशासन को ना होना पड़े। दिवाली के बारे में हम लोगों ने महिला मोर्चा को समस्त अधिकार दे दिए हैं। कल वे लोग बैठेंगे और छठ दिवाली में क्या करना है, ये हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ संपर्क करके समन्वय बैठा कर वे निर्णय लेंगे, उसको हम लोग लागू करेंगे। सर, गाइडलाइन जो कोविड का है, इस वर्ष पूजा समारोह में काफी असमानताएं देखे गए, कितना सही है सर ये गाइडलाइन? देखिए, गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दिया, प्रशासन के पास चिट्ठी पहुंच गई, अखबार में आधा अधूरा निकल गया, शांति समिति पूजा समिति की बैठक बुलाकर उनको बता दिया, मगर वो गाइडलाइन पूरा था, गाइडलाइन अधूरा था, गाइडलाइन सतही था कि गाइडलाइन में गहराई से विचार किया गया था। इस पर लोग देखते हैं तो पता चलता है कि हम कोई कानून कोई निर्देश दे दें और उस निर्देश का सर जमीन पर पालन नहीं हो, तो निर्देश की अवहेलना है और निर्देश देने वालों की साख घटती है। इसलिए शासन प्रशासन को सरकार को चाहिए कि आगे ऐसे निर्देश जारी करने के पहले 100 बार सोच ले। बत्ती नहीं जलानी है तो किस तरह की बत्ती नहीं जलानी है, पटाखे नहीं फोड़ने, आतिशबाजी नहीं करनी है, हैलोजन नहीं लगाना है, या छोटी छोटी बत्तियां नहीं जलानी है, या माँ के सामने दिया भी नहीं जलाना है, क्या करना है, इसके बारे में तो कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए ये गाइडलाइन अस्पष्ट था और हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी भी जो फैलियत हुई, उनकी जो परेशानी हुई, वो भी इसी कारण से हुई कि गाइडलाइन अस्पष्ट था। ये भाव में लागू होने वाला नहीं था, अक्षर में इसको निर्देश दे दिया गया, मगर भाव में लागू करने में कठिनाई हुई। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन भी इस पर विचार करेगा और अपनी कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराएगा। क्या पूजा से पहले जिस तरह से शांति समिति की बैठक हुई, तो उसमें कहीं त्रुटि रह गई है? क्योंकि त्रुटि बैठक में कहा नहीं, त्रुटि तो हम कहते हैं कि जब सरसों में ही भूत घुस जाएगा तो उस सरसों से आप भूत भगा नहीं सकते हैं ना। तो केंद्रीय स्तर पर आपदा राहत विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया, वह गाइडलाइन ही त्रुटिपूर्ण था, वह गंभीरता से नहीं बनाया गया था। इसीलिए हमारे आपदा राहत मंत्री को जमशेदपुर में माफी मांगनी पड़ी और हास्यास्पद स्थिति तब हो गई जब पूजा समितियों ने मंत्री के माफीनामा को कबूल नहीं किया, कहा कि इसमें कोई गंभीरता नहीं है, और अगले दिन एक एडीएम जाकर कुछ कह देते हैं, उसको गंभीरता से ले लिया और कहा कि नियम बसान करेंगे साहब, एडीएम साहब ने ऐसा हमको आश्वासन दे दिया। तो जिस शहर में जिस राज्य में मंत्री के आश्वासन पर लोग भरोसा न करें और एक कनीय पदाधिकारी के आश्वासन पर भरोसा कर लें, तो अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।